हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ शैडो फाइट 3। और आज इस वीडियो में मैं बन चुका हूँ दी वैम्पायर हंटर और हम जाने वाले हैं वैम्पायर्स को मारने ताकि वो किसी को भी हार ना कर पाए। एंड आई हैव दिस ब्यूटीफुल सेट जिसको मैं आज से ऑफिशियली दी वैम्पायर हंटर सेट कहने वाला हूँ, जिस पे है माइंड प्रोटेक्टर, ब्लेजिंग ऑनिक्स, ब्लड रीपर और ड्रैगन साइज बाइट। एंड दिस आर द पर्क्स आई हैव ऑन दी हेलमेट। आई हैव एम्प्लीफिकेशन, वेपराइजेशन, आर्मर पे पॉइजन स्किन, फ्लरी और रिजनरेशन, और उसी के साथ ही ब्लड रीपर पे मैंने यूज़ किया है दी स्पेशल मूव्स के साथ ही प्रिसीजन और इंटरफेरेंस। Pretty much all the perks I use all the time। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने unfortunately एक बार इवेंट खत्म कर दिया है, इसीलिए मेरे पास 1000 tokens हैं। मुझे पता नहीं था regular event है या grand event। Fortunately तुम्हें coins नहीं देने पड़ते, so that's good। Well now that being said, let's go and hunt some vampires right now। So here we go, we are going to start up the event and let's go। Alright, our first opponent will be Dragon Von Blood। और मुझे पता नहीं इस इवेंट में मैंने इतना अच्छा कैसे खेला है, हाँ लेकिन मैंने एक्चुअली में बहुत अच्छा खेला है। मैं बैरली एक या दो राउंड से हार चुका हूँ, दैट्स इट। और ऑफकोर्स इवेंट थोड़ा ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। ऑफकोर्स लास्ट के दो फाइट्स आई थिंक मेरे लिए मुश्किल थे। ऑफकोर्स इसको सेकेंड राउंड में हराना मुश्किल भी नहीं था, मेरे पास शैडो टैक्स थे तो मैंने इसका पूर्ण उपयोग कर दिया। वेल एक्चुअली मैंने आधा का आधा काम ब्लड रीपर से खत्म कर दिया था। नेवर माइंड दैट, वी आर गोना यूज ऑल द शैडो अटैक कॉम्बोस लेटर इन द वीडियो। Alright, second opponent is going to be Lady Darkness and well, इसके लिए इतना अच्छा नहीं हुआ। मैंने first round वैसे ही ख़त्म कर दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैंने उसे shock भी कर दिया और of course उसाई गामा के एक heavy attack के साथ first round ख़त्म कर दिया। सेकेंड राउंड में मैं अनफॉर्चुनेटली शॉक हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों इस इवेंट में शॉक इतने वियर्ड हैं। मतलब मेरे पास प्लग पर्क नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे पास ब्लड रीपर है एंड प्लग इज ए डायनेस्टी पर्क एनीवेज। लेकिन शॉक इस इवेंट में थोड़ा ज़्यादा ही हो गए, आई डोंट नो व्हाई, बट वेल आई डू गेट शॉक इन द सेकेंड राउंड एंड आई थिंक आई आल्सो गेट शैडो अटैक्स इन द एंड, तो मैं उसको आराम से लगा देता हूँ। Alright, our next opponent is going to be of course Vampire Lord और well, what can I say, मैंने इसकी क्या अच्छी खासी धुलाई की है कि well अगर इसके पास आमा नहीं होता तो इसकी कुछ हड्डियाँ टूट ही जाती। लेकिन well never mind, I easily defeated Vampire Lord all the 3 rounds। और जैसे ही मैं यहाँ पे वैम्पायर लॉर्ड की धुलाई कर रहा हूँ, मैं इस ब्यूटीफुल सेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड दी वैम्पायर हंटर सेट फ्रॉम टुडे। और मैं इस राउंड में क्या शैडो टेक्स लॉन्च कर रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया हाउ आई डिड दिस, बट वेल आई डिड डू इट। बैक ऑन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेट इटसेल्फ, इस सेट पे है एक हेरल्ड हेलमेट दैट्स गोना बी माइंड प्रोटेक्टर, ब्लेजिंग ऑनिक्स, ब्लड रीपर एंड ड्रैगन साइज बाइट। एंड आई हैव नो आइडिया कैसे, लेकिन ये सेट इतना अच्छा लगता है साथ में। ये ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि एक ही फैक्शन का एक ही सेट हो, जो ये नहीं है ऑफकोर्स। ऑफकोर्स आमा एक डायनेशन है, हेलमेट वेपन एंड ग्रीन वेपन हैगर्स का है। ऑल आई नीडेड टू डू वाज जस्ट कलर दी आमा एंड हेलमेट रेड एंड इट जस्ट फिट्स वेल। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि तुम्हें एक सेट का डिजाइन कैसे लगता है, क्या तुम्हें पसंद आया, क्या तुम्हें अजीब लगता है, सो कमेंट डाउन बिलो। और इसी के साथ ही मैंने अपने शैडो अटैक्स को यूज़ करते हुए वैम्पायर लॉर्ड की अच्छी खासी धुलाई कर दी है। ऑफकोर्स इसने मेरे ऊपर वैम्पायर कर्स डाल दिया है, तो इसका मतलब ये होने वाला है कि अब दूसरे वैम्पायर हंटर्स भी मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, सिर्फ एक। लेकिन चलो इसकी भी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इवेंट बहुत ईजी है, प्रीटी मच अंटिल दी लास्ट टू फाइट्स यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टीज। Yeah!
और ऑफकोर्स कुसागामा के एक हेवी हिट के साथ मैंने वैम्पायर हंटर को भी हरा दिया है। और अब शुरू होने वाला ही दी हार्ड पार्ट, दी वैम्पायर गोल एंड लास्ट राउंड का वैम्पायर लॉर्ड। ये दोनों थोड़ा मुश्किल होने वाले हैं। वैम्पायर गोल मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, ऑफकोर्स मैं फर्स्ट राउंड में इसको इजीली हरा पाया। ये थोड़ा ब्लॉक ज़्यादा कर रहा था, लेकिन दैट्स प्रीटी मच ऑल देयर इज एक्सेप्ट दैट आई जस्ट डिस्ट्रॉयड दिस गाय। ऑल राइट, वैम्पायर गुल के सेकेंड राउंड में ये मुझे बुरी तरह मार देता है एक स्पेशल मूव, और इसने मेरे आधे का आधा हेल्थ निकाल दिया। लेकिन फिर भी लकीली मेरे पास शैडो अटैक्स थे, और अगर तुम्हारे पास शैडो अटैक्स हैं और क्रिटिकल हिट्स भी हैं तो तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स वॉट हैपन्स, आई ईजिली डिफीट हिम। एंड द लास्ट राउंड इज गोइंग टू बी अगेंस्ट वैम्पायर लॉर्ड हिमसेल्फ। और ये वाला राउंड मैं जीत जाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट राउंड में ही मैं बहुत गंदी धुलाई करेगा, और हाँ मैं इसको आराम से हरा देता हूँ, लेकिन एंड में एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। वैम्पायर लॉर्ड मुझे बहुत बुरी तरह से मार देता है, और मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं पैनिक कर देता हूँ। उसके इतने छोटे से बचे हुए हेल्थ के पोर्शन को ख़त्म करने के लिए मैं शैडो अटैक यूज कर देता हूँ। And for some reason, I just decided not to be really aggressive in the second round. और Vampire Lord takes all the advantage from that. मैं इसके attacks को थोड़ा evade करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करता, मुझे बहुत बुरी तरह से मार देता है। तो राउंड में हार गया और शॉक भी कर दिया मुझे। लेकिन यही थर्ड राउंड में नहीं होने वाला था, मेरे पास शैडो अटैक्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं इसको आराम से हरा देता हूँ। आई जस्ट रिजॉर्ट टू द सेम स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड इन फर्स्ट राउंड, मतलब फुल टू अग्रेसिव हो जाओ, दैट्स इट। एंड ऑफकोर्स इन द फोर्थ राउंड आई डू प्रीटी मच द सेम। ये मेरे पे थोड़ा अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं संभल जाता हूँ, और ऑफकोर्स इसके शैडो अटैक्स मिल जाते हैं, बट एज इफ आई एम गोना लेट हिम डू शैडो अटैक्स। और इसी के साथ ही मुझे लकीली एक क्रिटिकल हिट मिल गया, और एक हैवी हिट के साथ मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और इसी के साथ ही इवेंट का फाइट ख़त्म हो जाता है, और मेरे ऊपर से वैम्पायर कर्स लूट जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड दैट पार्ट इज गोइंग टू बी द पैक ओपनिंग। और ये पैक्स बहुत अजीब हैं, पता नहीं 750 टोकन्स वाले पैक में तुम्हें मिलेंगे पेंट्स, और सारे कलर्स मेरे पास पहले से ही हैं, भरे पड़े हैं, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि 250 पॉइंट्स वाले पैक को ओपन, जिसके अंदर तुम्हें कीस और शैडो एनर्जी मिलता है, विच इज वेरी गुड। बकबक बंद करते हैं और यहाँ पे पैक्स ओपन करते हैं। चलो, मैंने 4 पैक्स ओपन किए और मुझे उनमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, शैडो एनर्जी कीस, आई डिडंट गेट जेम्स अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी ठीक है, पेंट से तो ठीक है क्योंकि मेरे पास पेंट्स भरे पड़े हैं। और उसी के साथ ही क्रीपी पार्टी और ये बूस्टर पैक स्प्रिंट से मैं सारे के सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे क्रीपी पार्टी के मैराथन से इसका रेंज वेपन मिल जाता है।
और इस दूसरे वाले मैराथन से बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है मुझे। आई थिंक आई गॉट समथिंग अराउंड 300 जेम्स और उसके साथ ही एमेरल्ड क्लॉ मिल जाता है विच इज़ अ रियली गुड वेपन विच आई थिंक इज माई मोस्ट पावरफुल वेपन राइट नाउ। आई थिंक मुझे लगता है नॉट श्योर मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसी के साथ ही मैंने सारे के सारे रिवॉर्ड को क्लेम कर लिया है। और दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियोस स्क्रीन पे पॉप अप हो रही हैं और अगर तुम लोगों ने ये वीडियोस चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर दो। उसी के साथ अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। एंड नाउ दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।